नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश, एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मुगल गार्डन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुगल गार्डन कैसे जाया जाए और मुगल गार्डन का टिकट आसानी से कहाँ से प्राप्त किया जाए और मुगल गार्डन जाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और इसके अलावा क्या कुछ खास है मुगल गार्डन में आपके लिए, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, मुगल गार्डन 5 फरवरी से खुल चुका है और ये 8 मार्च तक खुला रहेगा। इसकी जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक है, यानी कि शाम को 4 बजे के बाद आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सोमवार को बंद रहता है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को भूल करके भी ना जाएं, ये सोमवार को बंद रहता है मेंटेनेंस की वजह से। और आप बाकी वर्किंग डेज में, ऑफ डेज में, सैटरडे संडे कभी भी जा सकते हैं। दोस्तों, मुगल गार्डन जाने के लिए अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय सचिवालय, जी हाँ, सेंट्रल सेक्रेटरी 8 पर उतरना होगा। उसके बाद आप वहां से रेल भवन वाले गेट से बाहर निकलेंगे और वहां से गेट नंबर 35, राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 तक आप आसानी से जा सकते हैं। और अगर आप अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप जा रहे हैं तो अपना एक आई कार्ड अपने साथ रख लीजिए। तो दोस्तों, अब रही टिकट की बात, टिकट कहाँ से लिया जाए। तो टिकट आप चाहे तो मुगल गार्डन जा कर के वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टिकट की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, टिकट का कोई प्राइस नहीं होता है, टिकट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसको बुक कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके साथ बच्चे भी जा रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि सभी का रजिस्ट्रेशन करा लें। एक खास बात और, अगर आप ऑनलाइन टिकट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये 24 घंटे पहले होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप जिस दिन भी जा रहे हैं उससे 24 घंटे पहले कम से कम प्लान करके आप ऑनलाइन से टिकट को रजिस्टर कर लें। इसके अलावा जानते हैं कि आप मुगल गार्डन में अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं। उससे पहले चलो जानते हैं कि क्या कुछ खास है आपके लिए मुगल गार्डन में। इस बार आपके स्वागत के लिए मुगल गार्डन में 10,000 किस्म के ट्यूलिप और 138 किस्म के गुलाब और 70 किस्म के मौसमी फूल, जो कि 5,000 की संख्या में हैं, आपका स्वागत करने वाले हैं। इसके अलावा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है ग्रेस द मोनाको नाम का गुलाब। इस फूल को पिछले साल मोनाको के प्रिंस एल्बर्ट 2 ने ही रोपा था। और कई गुलाब आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके नाम कई फेमस हस्तियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे प्रणब मुखर्जी गुलाब, जवाहरलाल नेहरू गुलाब, मदर टेरेसा गुलाब, एलिजाबेथ गुलाब और जॉन एफ कैनेडी गुलाब, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर ही रखा गया है। मुगल गार्डन तो आप घूम ही रहे हैं, इसके अलावा आप यहाँ हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन और आध्यात्मिक गार्डन का भी आनंद ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ के संग्रहालय में भी जा सकते हैं और जिसके लिए भी आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वो भी आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी ऑनलाइन रजिस्टर कर लें। उसके बाद आप मुगल गार्डन में क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि सोमवार को मुगल गार्डन बंद रहेगा क्योंकि कुछ मेंटेनेंस का काम होगा। और इसके अलावा आप यहां ले जा सकते हैं, उनमें चीज़ें हैं आपका अपना मोबाइल और एक पर्स। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल को ले जा सकते हैं और पर्स ले जा सकते हैं आप अपने साथ। इसके अलावा आप यहाँ खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना कैमरा अपने साथ ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपना इरादा
त्याग दीजिए क्योंकि आप कैमरा नहीं ले जा सकते, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल, आपके पास है, आप अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अंदर पानी नहीं मिलेगा, पानी की सुविधा है। अगर आप थक जाएं तो आपके बैठने की भी सुविधाएँ यहाँ पर रहेंगी। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि अंदर 2 घंटे का ही इसमें आपको टाइम लगने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो से कुछ मदद मिली होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए जानकारी से भरी हुई वीडियो लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।